लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला है फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, इसी तरह हम लोग पेंडुलम के लिए भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना हो पेंडुलम का, तो हमें मतलब आप मालूम है कि पेंडुलम एक ऐसी चीज होती है जिससे थ्रेड से किसी भी बॉब को बांध दिया जाए, तो वो उसे अगर फोर्स लगा के एक्सटेंड किया जाए, छोड़ दिया जाए सम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो वो जो है बार बार अपने मेन पोजिशन या फिक्स पोजिशन के आसपास अपने मूवमेंट को रिपीट करती है। इस चीज को हम लोग पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम में भी सिमिलरली इसी तरह से वेवलेंथ बनती है जिस तरह से स्प्रिंग के केस में बनती है, जैसे कि इस तरह से। और ये वाली जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये भी एक टाइम इंटरवल टी के दौरान ही बनती है, यानी कि जब एक कंप्लीट टाइम इंटरवल टी गुजर जाता है तो एक कंप्लीट लैम्डा ट्रेवल हो जाती है। पेंडुलम के केस में भी सिमिलरली ऐसे ही है। अगर पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकालना हो तो हमें मालूम है कि इसके लिए भी टाइम पीरियड हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी थीटा। देखा जाए तो पेंडुलम जो है वो एक सर्कुलर पाथ की तरह ही ट्रेवल करता है, और सर्कल में जो डिस्टेंस होता है उसे हम हमेशा थीटा कहते हैं, और जो वेलोसिटी की जाती है सर्कल में या सर्कुलर पाथ जो कोई बॉडी करती है वो मेगा, और टाइम जो है वो कैपिटल टाइम पीरियड टी होता है। और ये जो थीटा है, ये थीटा भी एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन है जिसे 2π लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा मूवमेंट इसी तरह से करता है जैसे कि एक सर्कुलर पाथ रोटेशन करता है। तो यहाँ पर अगर 2π लगा दिया जाए तो इक्वल टू ओमेगा टाइम टी, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि स्प्रिंग के केस में आता था 2π/ओमेगा। अगर इस सिचुएशन में तो आपने गौर किया होगा कि इस सिचुएशन में भी हम जो है पेंडुलम की बॉब को सम एक्सटर्नल फोर्स लगा कर ही एक्सटेंड करते हैं, इसको अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, और वापस ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। यानी कि यहाँ पर भी हमें एफ अप्लाई करनी पड़ती है जो माइनस एफ रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वल होती है। इस केस में भी हम जो अप्लाई करते हैं वो केन इंटू एफ से इक्वल है, और जो माइनस रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस एम ए की इक्वल होती है, जिससे मिलेगी वैसा ही केस है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर सर्कुलर में मूवमेंट्स होता है, पेंडुलम के लिए जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला है लास्ट वीडियो में पेंडुलम की वीडियो में, वो बराबर है माइनस जी बाय एल इंटू एक्स के, इसके इक्वल आता है पेंडुलम का एक्सेलरेशन। और जो सही है, और इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि हमारी फ्लाइट फोर्स हमेशा हमारे रेस्टोरेंट फोर्स के बराबर है, चाहे वो स्प्रिंग का केस है या पेंडुलम का केस है। दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन का जो है एक एक्सप्रेशन है वो ये है जो पेंडुलम का अपना एक्सेलरेशन होता है, और दूसरा एक्सेलरेशन क्योंकि पेंडुलम भी एक सर्कुलर पाथ की तरह ही रोटेट करता है, तो अगर इसको सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया जाए क्योंकि जो पेंडुलम है इसे हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक की एग्जाम्पल में आता है तो इसका मतलब है कि सर्कुलेटरी मोशन में जो सर्कुलेटरी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन की तरह भी इसकी मोशन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है उसके एक्सेलरेशन को हम लोग सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट की एक्सेलरेशन जो कि ये है इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसे कह देते हैं कि ये बी है और ये ए है। अगर जैसे कि हमने स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग का अपना एक एक्सेलरेशन निकाला, पेंडुलम के केस में तो उसका अपना एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी ही है इसलिए हम लोगों को निकालना नहीं पड़ा, और इन दोनों के एक्सेलरेशन को पेंडुलम के और स्प्रिंग के एक्सेलरेशन को हम लोगों ने सर्कल में मूव करते हुए बॉडी के प्रोजेक्शन के एक्सेलरेशन से कंपेयर किया है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस जी बाय एल इंटू एक्स आ जाता है, और इस सिचुएशन में हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाता है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि एक्स एक्स से कैंसल आउट हो जाता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन से कैंसल आउट हो जाता है, और ओमेगा का जो एक्सप्रेशन बनता है वो इस तरह से आता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल है, तो ओमेगा जो है वो जी बाय एल का अंडर रूट आ जाती है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, जो ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन वन, तो हमारे पास टाइम पीरियड पेंडुलम के लिए, पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड निकलता है वो 2π/ओमेगा है, जिसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो टी इज इक्वल टू 2π, अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी जाए जो कि जी बाय एल है, तो टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम हमारे पास ये निकल आता है कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π/L/G। तो इस एक्सप्रेशन से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं फॉर पेंडुलम। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा जाए और स्प्रिंग का टाइम पीरियड देखा जाए तो दोनों में फर्क सिर्फ इसमें आता है कि यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, जी भी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और के भी, के इसलिए कि वो स्प्रिंग कांस्टेंट था और जी इसलिए यहाँ पर आता है।
क्योंकि जमीन से थोड़ी बुलंदी पर जाके पेंडोलम को एक्सटेंड होना पड़ता है, यानी कि इसकी जो मोशन है वो जमीन से थोड़ी सी बुलंदी पर जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो है वो फैक्टर आ जाता है। और एल, क्योंकि इसकी एल जो है वो वेरी करती रहती है, हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग डिफरेंट एल लेते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइम पीरियड आता है। जिस तरह की स्प्रिंग के केस में हम लोग डिफरेंट मास लें, तो हर मैसिव बॉडी का अपना एक टाइम पीरियड होगा कि वो कितने टाइम पीरियड में एक वेवलेंथ कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम पीरियड है टी टी, हमने लिखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई डी। अगर इस चीज़ को मैं कांस्टेंट कह दूँ, जो कि कांस्टेंट ही है, तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम अंडर रूट एल बाई डी आ जाएगी। और इस कांस्टेंट को हटा दूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर पर्सनैलिटी आएगी, और वो पर्सनैलिटी ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन अंडर रूट एल के, यानी कि इस सिचुएशन में टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, मैथ पे इंडिपेंड है। मैथ पे ये कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन एल पे ये डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल वैल्यू पे। कि जमीन से अगर बहुत ज़्यादा बुलंदी हो तो आपको मालूम है कि जी की वैल्यू वेरी करना शुरू हो जाती है। जमीन से बुलंदी पर जी जो है वो एक्सटेंड करती है, और जमीन से ऊंचाई पे, जमीन से अगर गहराई पे जाएँ तो जी की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो इस तरह जी की वैल्यू जो है वो पेंडोलम के टाइम पीरियड से रिलेट है, और इसकी लेंथ से भी रिलेट है, यानी कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों ही टाइम पीरियड से रिलेट है। और इन दोनों चीज़ों के फैक्टर को ऐड करके हम टाइम पीरियड पेंडोलम के लिए निकाल सकते हैं। तो ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जिससे हम पेंडोलम के लिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि पेंडोलम की एक वेवलेंथ को कम्प्लीट होने के लिए कितना टाइम दरकार होता है।